कोरोना महामारी के चलते कई धार्मिक कार्यक्रमों पर बंदी लगाई गई थी। शासन प्रशासन ने समय अनुसार छूट दी है। हाल ही में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें नियम और शर्तों पर गणेश मंडलों में गणेश मूर्तियां विराजमान करने की अनुमति दी गई। महाराष्ट्र में गौरी पूजन को अधिक महत्व दिया जाता है। कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यह महालक्ष्मी पूजन की परंपरा चल रही है। इस वर्ष कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए यह त्योहार नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया गया। इस वर्ष सिटी न्यूज़ ने आप सभी सिटी न्यूज़ दर्शकों के लिए ई महालक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया है। चलिए मिलते हैं अमरावती के कुछ परिवार से, जहां महालक्ष्मी जी विराजमान हैं। नमस्कार, मैं सोनम आप सबका विदर्भ के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस बार सिटी न्यूज़ ने एक अलग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर हम महालक्ष्मी जी के दर्शन करने वाले हैं और अलग अलग विधि अलग अलग पूजा के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं अलग अलग परिवारों से मिलकर। गिलोरकर परिवार में महालक्ष्मी का जो 16 है वो 59 ईयर्स 57 साल से शुरू है। अच्छा, और मैम आप जब आपकी जो शादी हुई है उसके बाद में आपने इस परिवार को ज्वाइन किया होगा, तो उसके बाद में जो आपका अनुभव है वो कैसा रहा है महालक्ष्मी को लेकर? बहुत अच्छा है। और ये जो महालक्ष्मी के वक्त अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं, जो नैवेद्य लगाया जाता है, उसकी क्या प्रथा है और क्या कंसेप्ट है वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या? फुलोरा रहता है और अम्बी कचली छोला भाजा पंचामृत चटनी पूरनपोली वड़ी भजे कड़ी बहुत सारे पकवान रहते हैं। हम सब खुद में बनाते हैं। और सर आपने जो बोला है कि ये पीढ़ी पीढ़ी से कार्यक्रम चलते आ रहा है, तो आगे जो ये कार्यक्रम है जो महालक्ष्मी का सोहरा है ये इसी प्रकार चलते रहेगा या आपके बच्चे आगे कंटिन्यू करेंगे? ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये परंपरा आगे भी चलती रहेंगी, जैसा हम पिछले 61 साल से हमारे परिवार में चल रही है, तो इसके बाद में भी हमारे बच्चों की शादी हो जाएंगी, उनके परिवार में भी ये परंपरा शुरू रहेगी। इस साल में जो कोरोना का बहुत बड़ा जो संकट आया है पूरे वर्ल्ड में, तो अभी ये महालक्ष्मी का जो त्यौहार समारोह जो चालू है, तो इस समारोह में हम सब परिवार गिलोरकर परिवार हम याचना करते हैं महालक्ष्मी जी से कि ये कोरोना सब मुक्त हो जाए और सब अच्छा वातावरण जल्दी से जल्दी होने का प्रयास करो, या ये ऐसी प्रार्थना करते हैं। गिलोरकर परिवार आपका धन्यवाद मानते हैं। हर एक परिवार के एक अलग अलग प्रथा होती है, अलग अलग पद्धत होती है ये महालक्ष्मी जी की पूजा, महालक्ष्मी जी का जो त्यौहार है वो मनाने की। तो आज गिलोरकर परिवार की क्या एक अलग विशेषता है ये हम जान के लेंगे। महालक्ष्मी पूजन के दिन हम दो सुवासिन बुलाते हैं और इनको पहले खिलाते और बाद में हम सबको आमंत्रित करते खाने के लिए। तो आप हर साल इन्हें ही बुलाते हैं? हाँ। अच्छा, तो नहीं बुलाते। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैम आप थोड़ा? पिछले 26 साल से मैं इनके यहाँ आती हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये लोग हमारी अवगत करते हैं, बहुत अच्छे यानी सभी इनके फैमिली जो मेम्बर है सब जन हम लोग आने के बाद में हमारे पैर वगैरह धो के सब हमको अच्छी तरह से कुमकुम तिलक वगैरह लगा के पहले हमको खाना खिलाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है।
में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आप आपके पूरे परिवार का मुझे परिचय करा दीजिए। ये मेरी पत्नी अनुराधा सामदेकर, मेरे पत्नी की बड़ी बहन सुविधा धामणकर, ये मेरा छोटा लड़का विराज सामदेकर, और वो मेरी क्या बोलेंगे उसको, भांजी वैष्णवी धामणकर। सर, जो ये महालक्ष्मी की जो पूजा है, ये आपके घर पे कितने सालों से हो रही है? 70 साल। अच्छा, 70 वर्ष से शुरू है ये परंपरा आपके घर पे। अभी ये जो पीढ़ी चालू है, इसमें चौथी पीढ़ी है। अच्छा, चौथी पीढ़ी है। और ये जो महालक्ष्मी जी का जो त्यौहार है, ये हर साल की तरह इस बार आपने मनाया, तो आपको कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम आई है क्या, यानी कुछ संकटों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मार्केट हो गया या फिर और भी बाकी चीज़ों में है, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत गई है क्या? दिक्कत नहीं गई, ऊपर मैंने कोरोना की वजह से महालक्ष्मी जब बैठी तब सब चालू हो गया था, बसेस आना जाना चालू हो गया था, सब्जी मार्केट जो पहले बंद था तो चालू हो गया था, ये सब जो प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए। लक्ष्मी जी की पूरा सब अच्छा हो गया, जो हम सोच रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन ये साक्षात तो मैम, घर की महालक्ष्मी आप ही हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक के पूरा? मामा जी के यहाँ बहुत सारे देखने के वजह से हर साल बैठे थे, तो अच्छे अनुभव, और घर पे आने के बाद मेरे ससुर जी ने सारा समझा के बताया, वो आनंद से हमने भी बिठाना, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया, अच्छा हो गया। तो मैं अब छोटे विराज के पास जाती हूँ, तो विराज आपको कैसा लगता है जब आपके घर पे महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, आप कौन से काम कर लेते हो महालक्ष्मी जी के साथ? मेरे को ज़्यादा काम तो मिलने नहीं देते, क्योंकि मेरे बड़े भैया और सब मिल के हम काम ज़्यादा तो कर लेते हैं, इसलिए जो काम होता है वो कर लेते हैं। अभी तो छुट्टियों की दिक्कत ही नहीं जा रही होंगी, स्कूल वगैरह तो सब बंद है, तो आपका घर से महालक्ष्मी जी के साथ में भी इंजॉय भी हो रहा है या फिर बस बोर हो रहे हो? थैंक यू सर। नमस्कार सर, सिटी न्यूज चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले आप आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष शिखा, मैं न्यू विजयनगर में रहता हूँ और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और अमरावती यहाँ स्थायी हूँ। सर, आपके घर पे ये जो प्रथा है, ये जो महालक्ष्मी जी की पूजा है, ये कितने वर्षों से चल रही है? पिछले 10 सालों से। जी, जैसे कि इस बार हम जानते हैं कि इस बार कोरोना के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें गई है, हर त्यौहार जो है हम बहुत ही शांति से मना रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, तो सर आपका जो इस महालक्ष्मी पूजा का जो अरेंजमेंट था, जो आपको मार्केट से चीज़ें लानी पड़ी, आपको उसमें कुछ दिक्कत गई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल गई है, क्योंकि जो टाइमिंग था मार्केट का वो सिर्फ 7 बजे तक ही था, और 7 तक सब कुछ मैनेज करना नहीं पॉसिबल होता था, और उसके साथ साथ सभी लोग 7 बजे तक पूरी भीड़ एक साथ मार्केट में रहती थी, तो ये डर भी रहता था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा, और उसके साथ साथ ये भी रहता था कि भाई कोई अगर इन्फेक्टेड है तो हम ना इन्फेक्टेड हो जाए, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम गया है। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि हर साल हमारे यहाँ पे बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं, प्रसाद के लिए आते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाया। जैसे कि आपने भी कहा है कि आप डॉक्टर हैं, तो सर आपका जो क्लिनिक है उसका टाइमिंग और ये महालक्ष्मी पूजा का टाइमिंग, जैसे कि अरेंजमेंट में काफ़ी दिन लग जाते हैं, तो वो सब आपने कैसा मैनेज किया? जी, फैमिली साथ हो तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं आता है, और घर वालों ने जो कुछ भी मेहनत ली उसके साथ साथ क्लिनिक का टाइमिंग हो गया, अच्छा एडजस्ट हो गया प्रॉपरली, और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो कुछ भी पेशेंट आ रहे थे जो क्लिनिक पे नहीं आ सके, उनको मैंने घर पे बुला लिया और उनकी मेडिसिन अपन ने घर से ही डिस्पैच की। सर, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हो? दर्शकों को यही संदेश रहेगा जो हमेशा हम एज अ डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई रेगुलर सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को, और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही अपने घरों के बाहर निकले। लेकिन आपके ज़रिए मैं माता जी को कहना चाहूँगा कि भाई ये जो कोरोना बीमारी है इसका जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, और
जो लोग भी पीड़ित है इस कोरोना महामारी से वो भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाए और इस बीमारी का जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अगर तो पूरा विश्व एक जो रेगुलर रूटीन में था वो चलता जाएगा।